शंकर जी का एक ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग का जलाभिषेक करते ही दिखाई देती है पूरी दुनिया। लोगों का मानना है कि इस शिवलिंग में अपना चेहरा देखने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप कट जाते हैं। भोलेनाथ का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां अगर शव को ले जाया जाए तो आत्मा उस शव में वापस प्रवेश कर जाती है। शायद आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। विधि का विधान है, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन जन्म और मरण तो ईश्वर का खेल है। ईश्वर के चमत्कार के आगे कुछ भी नहीं है। अगर भगवान चाहें तो उनके आगे सृष्टि के नियमों में भी परिवर्तन हो जाता है। भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर स्थित है उत्तराखंड के गांव लाखा मंडल में। प्रकृति की वादियों में बसा हुआ यह गांव लाखा मंडल देहरादून से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यमुना नदी के तट पर है। लाखा मंडल हमें महाभारत की याद दिलाता है। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांव लाखा मंडल के इस शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि द्वापर युग में महाभारत काल के समय दुर्योधन ने पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जला देने के लिए यहां एक लाशाग्रह का निर्माण किया था, लेकिन पांडव इस लाशाग्रह से बच निकले थे। पांडव जिस गुफा से बचकर निकले थे वह ऐतिहासिक गुफा आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ बहुत सारे शिवलिंग पाए जाते हैं। जमीन की खुदाई करते वक्त या हल जोतते वक्त भी जगह जगह यहाँ शिवलिंग मिल जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले शिवलिंग की खासियत यह है कि हर शिवलिंग का रंग अलग अलग है। शिवलिंग हजारों साल पुराने हैं, लेकिन इतने समय तक जमीन के नीचे दबे रहने के कारण भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। लाखा मंडल में मौजूद शिवलिंग को महामंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के आगमन में एक शिवलिंग है जिसके बारे में माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना अज्ञातवास में पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठर ने की थी। यह शिवलिंग ग्रेफाइट का बना हुआ है और जब भी इस पर जल चढ़ाया जाता है तो यह चमकने लगता है। इस दौरान इस शिवलिंग में आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देगा। न जाने इस शिवलिंग में ऐसी क्या खासियत है कि जब भी इस पर जल चढ़ाया जाता है तो यह दर्पण की तरह चमकने लगता है। जब भी श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें शिवलिंग में संपूर्ण सृष्टि का चेहरा दिखाई देने लगता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग में अपना चेहरा देखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। मंदिर के आंगन में इस शिवलिंग के सामने दो द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। माना जाता है कि किसी भी मृत व्यक्ति को इनके सामने रख दिया जाता है तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह फिर से जीवित हो जाता है। जीवित होते ही वह देवों के देव महादेव को याद करता है और उनका नाम लेता है। उसके बाद उसे पुजारी के हाथ से चावल, दूध और गंगा जल दिया जाता है। गंगा जल ग्रहण करके उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। इस प्रक्रिया से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी आत्मा दर दर नहीं भटकती है। इस मंदिर में लोग अक्सर मुर्दों को लेकर आते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। इस मंदिर में दो द्वारपाल खड़े हैं जिनमें से एक का हाथ कटा हुआ है, जो एक अनसुलझा रहस्य है। मंदिर के प्रांगण में एक चट्टान पर पैरों के निशान मौजूद हैं जिन्हें यहाँ के स्थानीय निवासी माता पार्वती के पैरों के निशान बताते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। महादेव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर में प्रार्थना करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान इस स्थान पर स्वयं युधिष्ठिर ने शिवलिंग को स्थापित किया था। इस शिवलिंग को आज भी महामंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 6वीं शताब्दी का है और यहाँ स्थापित मूर्तियाँ काफ़ी चमत्कारिक मानी जाती हैं। भगवान शिव का यह अद्भुत धाम गुफाओं और प्राचीन मूर्तियों के अवशेषों से घिरा हुआ है। बोलो हर हर महादेव।